निकलती थी चमकीली साड़ी पहनकर। कहानी एक फिल्म की याद दिला रहे बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, पंकज त्रिपाठी की फिल्म स्त्री तो आपको जरूर याद होगी। इस फिल्म में एक स्त्री के डर से पूरे गांव में रात के अंधेरे में सन्नाटा पसर जाता था। लोगों में इतनी दहशत हो जाती थी कि लोग घर में कैद हो जाते थे। लोगों ने डर के मारे अपने घर के बाहर ओ स्त्री कलाना तक लिखना शुरू कर दिया था। ऐसी ही घटना मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर से सामने। दरअसल ग्वालियर के चंदन नगर क्षेत्र में एक महिला द्वारा देर रात लोगों के घर के दरवाजे खटखटाने और घंटे बजाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। पुलिस को जांच में मिला इस वीडियो में देखा गया कि एक महिला चंदन नगर में आधी रात को लोगों के दरवाजे खटखटाती है, घर की घंटे बजाती है और चली जाती है। जी हां, इस वीडियो को देख लोगों में दहशत का माहौल है। इस घटना की सूचना मिलते ही मामले की सच्चाई जानने के लिए पुलिस अधिकारियों की एक टीम गठित कर जब पुलिस अधिकारियों ने मामले की जाँच की गयी तो एक अलग ही कहानी सामने। मामले में जांच में पता चला कि महिला ने देर रात 2-3 घरों के दरवाजे खटखटाए थे। पुलिस टीम द्वारा पूछताछ में पता चला कि वीडियो में दरवाजा खटखटाते या घंटे बजाते दिख रही महिला आपगंज पुलिस चौकी के पास अपने एक दोस्त विकी के साथ लिव इन रिलेशन में रहती है। महिला का अपने पति से तलाक हो चुका है और उसके एक 6 साल की बच्ची भी है। पुलिस ने महिला की तलाश कर उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि विक्की शाकाय से उसकी दोस्ती थी और 8 जून को उसका विक्की से झगड़ा हो गया। विक्की उसे छोड़कर कहीं चला गया था और फिर महिला ने विक्की की तलाश में रोते हुए चंदन नगर के कुछ घरों की घंटी बजाई और वहाँ जाके वो रोती थी और अलग अलग अजीब आवाज आवाजों निकालना शुरू कर दी थी। तो इस वजह से जो लोग वहाँ के थे वो डर गए। यही वजह है कि उसने इस तरीके की शातिर हरकत करी, लेकिन पुलिस उसे पकड़ने में कामयाब हो गई। निकलती थी चमकीली साड़ी पहनकर। कहानी एक फिल्म की याद दिला रहे बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, पंकज त्रिपाठी की फिल्म स्त्री तो आपको जरूर याद होगी। इस फिल्म में एक स्त्री के डर से पूरे गांव में रात के अंधेरे में सन्नाटा पसर जाता था। लोगों में इतनी दहशत हो जाती थी कि लोग घर में कैद हो जाते थे। लोगों ने डर के मारे अपने घर के बाहर ओ स्त्री कलाना तक लिखना शुरू कर दिया था। ऐसी ही घटना मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर से सामने। दरअसल ग्वालियर के चंदन नगर क्षेत्र में एक महिला द्वारा देर रात लोगों के घर के दरवाजे खटखटाने और घंटे बजाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। पुलिस को जांच में मिला इस वीडियो में देखा गया कि एक महिला चंदन नगर में आधी रात को लोगों के दरवाजे खटखटाती है, घर की घंटे बजाती है और चली जाती है। जी हां, इस वीडियो को देख लोगों में दहशत का माहौल है। इस घटना की सूचना मिलते ही मामले की सच्चाई जानने के लिए पुलिस अधिकारियों की एक टीम गठित कर जब पुलिस अधिकारियों ने मामले की जाँच की गयी तो एक अलग ही कहानी सामने। मामले में जांच में पता चला कि महिला ने देर रात 2-3 घरों के दरवाजे खटखटाए थे। पुलिस टीम द्वारा पूछताछ में पता चला कि वीडियो में दरवाजा खटखटाते या घंटे बजाते दिख रही महिला आपगंज पुलिस चौकी के पास अपने एक दोस्त विकी के साथ लिव इन रिलेशन में रहती है। महिला का अपने पति से तलाक हो चुका है और उसके एक 6 साल की बच्ची भी है। पुलिस ने महिला की तलाश कर उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि विक्की शाकाय से उसकी दोस्ती थी और 8 जून को उसका विक्की से झगड़ा हो गया। विक्की उसे छोड़कर कहीं चला गया था और फिर महिला ने विक्की की तलाश में रोते हुए चंदन नगर के कुछ घरों की घंटी बजाई और वहाँ जाके वो रोती थी और अलग अलग अजीब आवाज आवाजों निकालना शुरू कर दी थी। तो इस वजह से जो लोग वहाँ के थे वो डर गए। यही वजह है कि उसने इस तरीके की शातिर हरकत करी, लेकिन पुलिस उसे पकड़ने में कामयाब हो गई।